इतनी ज्यादा गर्मी थी कपड़े धोने पड़ गए। चल झूठा। और गाइस ये देखिए मेरे हाथ में आ गई है चड्डी। जोर जोर से बोल के लोगों को उसकी फेंको यार इसको। जो कहते हैं ना कि दुबई आसान है, तो आज आपने देख लिया। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स आज के जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज जो है मैंने काफ़ी सारे जो है कपड़े जो है उनको धोना है। अरे हाँ यार हाँ, मैं नहीं मानता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने कपड़े जो है आज मैंने उनको धोना है। तो गाइस ये देखिए, आप देख सकते हैं इतने सारे जो कपड़े हैं आज मैंने धोने हैं। तो ये तो गाइस ये दुबई है ना कि आपका पाकिस्तान, जहाँ पे आप जो कपड़े हैं फेंक के मारते थे अपनी मामा के पास के हमें धो के दो। अपने घर जाना है। तो चलिए जो आज का व्लॉग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया इसको लाजम प्रेस कर दें। तो ये देखें, ये है दो सर्फ की पैकेट जो कि मैं बार शॉप से लेके आया हूँ। सो गाइस ये सामने पड़े हैं इतने सारे कपड़े जिनका जो चैलेंज है आज मैंने पूरा करना है। तो इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका जो कलर है वो उतर जाता है, तो उनको अलहदा कर लेते हैं, और बाकी जो वाइट वाले कपड़े हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। तो चलिए अपना जो काम है उसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सब कपड़ों को जो है मैंने अलहदा अलहदा कर लिया। इसके बाद जो है बाल्टी में जो है पानी भरते हैं, उसके अंदर जो सर्फ है उसको डालते हैं, और झाग बनाने के बाद इनको भिगोने के लिए रख देते हैं। और गाइस ये मैंने डाला सर्फ, तो ये देखिए आधे से ज़्यादा जो सर्फ है वो नीचे गिर गया है। और गाइस ये देखें, झाग जो है वो रेडी है। तो जो कपड़े इनके अंदर डाल के उनका भिगो के रख देते हैं, और तकरीबन जो है पूरी रात गुजरने के बाद ये जो है तकरीबन इनसे जो मैल होगी वो निकल जाएगी, और नेक्स्ट यानी जो अगला दिन होगा तो उस दिन जो है हम इनको वाश कर लेंगे। सो गाइस ये जो है सेकंड वाली बाल्टी है, तो जिसके अंदर जो है सर्फ वाला पानी बना रहा हूँ वाइट कपड़ों के लिए। तो गाइस जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना कि जो कपड़े आज के मैं धो रहा हूँ तो क्या मैं ठीक धो रहा हूँ या मैं गलत। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ बाहर गैलरी में, तो यहाँ से जो है ट्राउज़र मैंने उठाना है, क्योंकि जो कपड़े धोने तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो पसीना आ जाएगा। तो ये जो मैंने पैंट पहनी हुई है तो ये गीली हो जाएगी, तो ट्राउज़र चेंज करके इसके बाद कपड़े धो लेते हैं और बाद में इसको चेंज कर लेंगे। तो गाइस कुछ देर के लिए जो कैमरा है इसको मैं बंद कर रहा हूँ, तो जो मेरी पैंट है उसको मैंने चेंज करना है, तो इफ़ यू डोंट माइंड कर लो। और ये वाली पैंट है इसको भी हमने धोना है। सो गाइस ये देखिए हमारे जो कपड़े हैं वो रेडी हो गए। एक के अंदर जो है वाइट कलर के कपड़े हैं, दूसरे में जो हमारी जीन्स हैं, और थर्ड जो है उसमें ब्लैक कपड़े हैं। तो इनको जो है मैंने पार्किंग लगा दी है। इसके बाद जो है हम थोड़ा रूम में जाते हैं, वहाँ पे जो है रेस्ट करते हैं, तो नेक्स्ट सुबह जो है इनको वॉश करेंगे। तो व्यूअर्स जो कपड़े कल हमने भिगो के रखे थे तो तकरीबन उनको आज जो है 12 घंटे हो गए हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टास्क है उसको पूरा करते हैं। जो कपड़े बचे हुए हैं जिनको भिगो के हमने रखा था तो उनको धोते हैं। तो गाइस कपड़े सारे मैंने धो लिए हैं, तो इनको बाल्टी में डालने के बाद बाहर ले जाता हूँ और इनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाता हूँ। चल झूठा। तो गाइस ये वो कपड़े हैं जो मैंने धो लिए हैं। तो चलिए मैं आपको गर्मी दिखाता हूँ। तो इतना ज़्यादा जो है गर्म पानी था, तो जो मेरे हाथ हैं वो भी जल गए हैं सारे, ये देखें। तो ये देखें जो गर्मी है उसकी भाप की वजह से आप देख सकते हैं जो शीशा है वो बिल्कुल जो है धुंधला हो चुका है। तो ये देखें, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करें, ये देखें। तो ये जो है मेरा हाल हो गया आज कपड़े धोने के बाद, तो मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो इतना ज़्यादा जो है पसीना, तो ये देखें। तो
आइस जो कहते हैं ना कि दुबई जो है वो काफी इजी है, तो हम वहाँ जाके जो है मजे करेंगे। तो ये है दुबई। चीटिंग करता है। सो गाइस ये है वो हैंगर। तो दुबई में जो है कपड़े धोने के बाद हैंगर के अंदर खड़ा के खुश किया जाता है ताकि वो जल्दी खुश हो जाए। तो एक एक करके जो कपड़े हैं तो एक एक हैंगर में डालता हूँ, तो उसके बाद जो है उनको खुश होने के लिए ऊपर डालता हूँ। तो गाइस ये सारे कपड़े हैं जिनको मैंने हैंगर में लगा दिए, अब मैंने ऊपर इनको डालना है। तो उसके बाद जो है अभी लोग कमेंट करते हैं। तो फाइनली गाइस जो आज का हमारा काम था तो वो जो है पूरा हो गया। तो अब जो है मैंने नहाना है, तो टाइम जो है 3 बज गए हैं रात के। तो नहा के इसके बाद सोना है, तो सुबह की जो रूटीन होगी वो देखी जाएगी। ओके अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाजिम लाइक और शेयर कर देना, और प्लीज़ गाइस मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट किया करें यार, सपोर्ट किया करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।